चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। नमस्कार, अब खबर विस्तार से। बेसिक शिक्षा परिषद के 150,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 225,000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी नहीं है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो आंकड़ा पेश किया है विधानसभा में सवाल किए गए पर, अन्वेषक और शिक्षा मित्रों को जोड़कर पूर्ण कर लिए गए इनके पद, और पैव की मीटिंग हुई है जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के कार्य योजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पैव की बैठक के आंकड़े और बेसिक शिक्षा। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मई में विधानसभा में दिए गए जवाब में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,474 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षा माना था। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ 27,555 अंशकालिक अन्वेषकों को भी शिक्षक माना है। इस प्रकार मंत्री जी ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत आंकड़े अनुरूप माने हैं, लेकिन पैब की मीटिंग में कुछ और तस्वीर सामने आई। जबकि 22 जून को जारी 2022-23 सत्र की पैब रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1,26,028 पद खाली हैं। पैब की रिपोर्ट में शिक्षकों के रिक्त पदों का तथ्य सामने आने की बाद बेरोजगार फिर से नई शिक्षक भर्ती की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद 4 साल से भर्ती नहीं आई है। यहाँ पर एक और खबर आ रही है साथियों, अन्वेषक शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बड़ी खुशखबरी है नियमित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस TS ठाकुर और R भानुमति की पीठ ने शुक्रवार को सुनाया अहम फैसला। 10 साल से ज़्यादा कार्यरत कर्मी को नियमित करने का हक है, ये प्रावधान है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि जिन जिन राज्यों में 10 साल से अधिक संविदा कर्मी कार्यरत हैं उनको नियमित किया जाए, उन्हें नियमित किया जाने का हक है। ये समाचार इस समय सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है नई दिल्ली से। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, यूपी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है अन्वेषक और शिक्षा मित्रों के हक के लिए, उनके भविष्य के लिए, और कुछ ना कुछ अवश्य अच्छा होगा, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो साथियों, ये थी इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस जो हमने आपको अपने समाचार के माध्यम से बताया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए हमारे प्रत्येक वीडियो का। तो ये थी खास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।